और अब खबर भरतपुर के नगर से, जहां गंगवा गांव के पास जंगल में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक स्थानीय निवासी रामेश्वर सिंह और थान सिंह खेत की रखवाली कर रहे थे, जहां किसी बात को लेकर रामेश्वर ने अपने चचेरे भाई थान सिंह की हत्या कर दी और साथ ही इसके बाद आरोपी ने मामले को गुमराह करने की कोशिश भी की। इस मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया और साथ ही चचेरे भाई को शक के आधार पर गिरफ्तार भी किया और पुलिस उससे लगातार पूछताछ में जुटी है, जिसमें आरोपी ने वारदात को अंजाम देना स्वीकार कर लिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच में जुटी है। आपको बता दें, जंगल में युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई और चचेरे भाई ने ही इस वारदात को अंजाम दिया। इसी खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए A1 संवाददाता लवेश हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। लवेश, आखिर रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया, क्या था ये पूरा मामला? जी ज्योति जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पूरी घटना नगर क्षेत्र के गंगावा गांव की है, जो कि रात को 8 बजे रामेश्वर अपने भाई को, रामेश्वर का भाई था थान सिंह, उसको चने के खेत पर मतलब ले गया था। रात को करीब 11 बजे उसने अपने परिजनों को सूचना दी थी कि थान सिंह को किसी ने हत्या कर दी है और मेरे को भी है ना घायल कर दिया है। मौके पर मृतक के परिजन पहुंचे, उसके बाद सबको देखकर वो हकबक रह गए। उसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी तो मौके पर पुलिस पहुंची। रात को ही सबको नगर CSC के मोर्चरी में रखवा दिया गया था। जी लवेश, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।